हेलो हाय नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुँच सके। दोस्तों लास्ट जो वीडियो में हमने बात की थी, लास्ट लेक्चर पर जो हमने बात की थी वो की थी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड फर्स्ट जो चैप्टर था उस पर बात की थी कि भाई टीचिंग क्या है और साथ उसका मीनिंग डेफिनेशन नेचर स्कोप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स और एलिमेंट्स पर बात की थी। आज हम करेंगे बात नेक्स्ट जो टॉपिक है यूजीसी सिलेबस पे लर्निंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्निंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना आसान शब्दों में आपको समझा सकूँ, बिल्कुल मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि फिर तो आप बुक्स भी पढ़ते हैं, बुक्स में भी ये सब कुछ है, लेकिन मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि इजी से इजी शब्दों में आपको समझा सकूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जो आज हम सबसे आज पढ़ने वाले वो है कि भाई सबसे पहले लर्नर कौन है, या अध्येता की अध्येता हिंदी में बोलेगी कि अध्येता किसे क्या जाता है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग या अध्येता की क्या विशेषताएं है, और ख़ास तौर से हम बात करेंगे डेवलपमेंट स्टेज के बारे में जिसमें हम खास तौर से जिक्र करेंगे किशोर जो अवस्था है यानी कि एडोलेसेंट जो स्टेज है उसकी उस पर खास तौर से हमारी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म है उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए लर्निंग की, तो साथियों एक लर्नर जो होता है वो क्या है, देश का भावी कर्णधार कर्णधार माना जाता है। लेकिन जब कर्णधार माना जाता है क्यों, क्योंकि जब बच्चा या क्या बोलते हैं जब शिशु क्या जन्म लेता है तो वो क्या है, बिल्कुल एक अबोध होता है। अबोध मतलब जिसे किसी भी बात का ज्ञान ना हो, बोध ना हो। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो क्या होता है, विकसित होने लगता है, बड़ा होने लगता है, विकसित होने लगता है। तो शिक्षा के द्वारा क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, निर्धारित होने लगता है। जैसे जैसे वह कुछ शिक्षाएं प्राप्त करने लगता है, कुछ सीखता जाता है, तो क्या है उसका लक्ष्य भी एक निर्धारित होने लगता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में क्या है, अधिकता जो काल है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि इस जो काल में क्या वो विद्या प्राप्त करता है जिसके आधार पर उसके क्या है संपूर्ण सुख समृद्धि और क्या है खुशहाली जिस पे डिपेंड करती है पूरे लाइफ की। क्यों, क्योंकि कहा भी गया है विद्या ददाति विनय, विनय ददाति पात्रताम, पात्रत्वाद ददाति धनाद तस्मत् सुखम। अर्थात विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता मिलती है, योग्यता से धन मिलता है, लाभ मिलता है, और धन लाभ से धर्म मिलता है, और धर्म से क्या है सुख की प्राप्ति होती है। तो ये इस श्लोक के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि विद्या कितनी जरूरी है या लर्निंग कितना जरूरी है, सीखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम कहेंगे कि जो विद्या का जो काल है या विद्या ग्रहण करने का जो समय है वो क्या है, संपूर्ण जीवन जीने का एक आधार है। तो हम आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले लर्नर या क्या है या कौन है या लर्निंग क्या चीज़ है। अगर बात की जाए मीनिंग की, तो अज्ञता से हमारा अभिप्राय उस बालक या व्यक्ति से है जिसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के प्रयास किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, लर्नर कहा जाता है। बालक या व्यक्ति जिसको बोलते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो वैसे वैसे क्या है, अपने अनुभव के द्वारा परिपक्वता के द्वारा अध्यापक इत्यादि से क्या है ज्ञान को अर्जित करता है तथा स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाने लग जाता है। एक टीचर होते थे मेरे, वो क्लास में अक्सर कहा करते थे कि बेटा अगर सीखने की बात की जाए तो
जो एक बालक होता है, एक स्टूडेंट्स या एक लर्नर होता है, वो क्या है, 20% तो अपने आप से सीखता है, यानी कि अनुभव से, अनुभव के आधार पे, जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है, 20% परिपक्वता के आधार पे, मतलब जैसे जैसे समय के अकॉर्डिंग वह मैच्योर होता जाता है, 20% सहपाठियों के से, या जिसको क्लासमेट भी बोलते हैं, उनसे सीखता है, और 20% वातावरण, इन्वायरमेंट एंड पेरेंट्स से, क्यों कहा भी जाता है कि जो माता पिता होते हैं वो क्या है, बच्चों के पहले गुरु होते हैं, और इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है लर्निंग में, आसपास का जो वातावरण और माहौल जो होता है। और जो 5th जो बोलते थे वो बोलते थे 20% बुक्स एंड अदर्स ऑक्यूमेंट्स जो भी होता है, तो उन्होंने वो क्या है, वो बोलते कि 5 जो है, 5 चीज़ों पे क्या है, लर्निंग डिपेंड करती है, 5 चीज़ों से 20-20% सीखता है, टोटल 100% ये बन जाता है। तो दोस्तों, एक अध्येता का उद्देश्य जो है, मात्र क्या है, विद्या प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ क्या है, ज्ञान में वृद्धि हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, और उसके साथ साथ उसके क्या, चारित्र गुणों का भी विकास हो, इस प्रकार का उसका क्या है, एक उद्देश्य रहता है। अगर बात की जाए कि बच्चे की, बात की जाए एक बच्चे की या शिशु की, तो वो क्या है, उसको क्या माना जाता है, एक वातावरण और वंशानुक्रम का क्या है, परिणाम माना जाता है। वंशानुक्रम इंग्लिश में जिसके बोलेंगे, ये बोलेंगे हेरिडिटी, उसका क्या है, परिणाम माना जाता है, अर्थात ऐसा माना जाता है, या ऐसा देखा जाता है अक्सर या ज्यादातर, कि जैसे 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 किसी के माता पिता होते हैं, वैसे ही उनके क्या है, बच्चे होते हैं, अर्थात बच्चा माता और पिता के बुनियादी गुणों को क्या है, प्राप्त करता है, और वातावरण वातावरण से, यहाँ पे जो हमारा अभिप्राय है वो है, उन सभी बाहरी तत्वों से जो क्या है, जो क्या है, बच्चे के या सीखने वाले के जीवन को प्रभावित करते हैं। और तो निष्कर्ष यह है कि जो बच्चा है या जो एक लर्नर है, वो क्या होता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग है, या वातावरण का परिणाम है, जैसा उसके माता पिता या उसके पूर्वज हो गए, उसी आधार पे उस पे क्या है, गुणों का विकास होगा, या जैसे उसको माहौल मिलेगा, उसी वो भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की। देखिए दोस्तों, अगर, या लर्निंग की हिंदी में बोलेंगे विशेषताएं, देखिए दोस्तों, अगर सीखने की बात की जाए तो सभी के जो सीखने की क्या है, क्षमता समान एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति कितना कुछ सीखता है यह निम्न विशेषताओं पर निर्भर करता है। सबसे पहले अध्येता का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। सबसे पहले अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो क्या है, अगर जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही हद तक क्या है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। देखिए, अगर एक छोटी सी सिर दर्द या कुछ समय के लिए सिर दर्द या पेट दर्द क्या है, बहुत बड़ा कारण बन सकती है, बहुत बड़ी बाधाएं बन सकती है किसी भी पाठक या जो भी अधिगम प्राप्त करता होता है, उसके लिए बीमार रहता है, स्कूल नहीं आ पाएगा, होमवर्क नहीं कर पाएगा, अगर मेंटली है तो मेंटली रूप से भी क्या है, सीखने के लिए क्या है, लर्निंग के लिए क्या है, फिट होना चाहिए। क्यों, कभी क्या है, अगर वो टेंशन लेता हो, तनाव में हो, या कुछ थकान महसूस करता हो, तो ये सब भी क्या है, ये सब क्या है, बाधाएं आती है, तो क्या है, वो फिर भी एक अच्छे ढंग से क्या है, अध्ययन कार्य नहीं कर पाता, या लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाता। नेक्स्ट जो है वो है अध्येता की मूलभूत आवश्यकता तथा योग्यता। सीखना मूलभूत क्षमता पर भी निर्भर करता है, जिसमें हम मुख्यतः अध्येता के स्वाभाविक
रुचि अभिवृत्ति विषय संबंधित जानकारी तथा कौशल शक्ति सामर्थ्य इत्यादि पर निर्भर करता है। क्या है मौलिक जो मूलभूत जो क्षमता होती है या योग्यता होती है किसी लर्नर के अंदर, वो भी क्या है काफी हद तक इसको प्रभावित करती है। वह इंटरेस्ट भी हो सकता है, अभिवृत्ति भी हो सकती है, विषय संबंधी उसकी जो पूर्व की नॉलेज होती है वो भी हो सकती है, उसका स्किल हो सकता है, उसकी पावर हो सकती है, उसकी सहन शक्ति हो सकती है, उसका सामर्थ्य हो सकता है। नेक्स्ट जो है वह महत्वाकांक्षा या विलिंगनेस, विलिंगनेस जिसको बोलते हैं, जिस इसमें क्या है महत्वाकांक्षा क्या है, सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर किसी लर्नर के अंदर या सीखने वाले के अंदर क्या है कुछ महत्वाकांक्षा नहीं हो या इच्छा नहीं हो कि मुझे ऐसा करना है या मुझे ऐसा करने में मजा आएगा, कुछ हासिल होगा, तो क्या है यह कार्य बिल्कुल असंभव है। तो इसीलिए महत्वाकांक्षा का होना भी क्या है बहुत ही जरूरी है लर्निंग के लिए या एक अच्छे लर्नर बनने के लिए। नेक्स्ट है लाइफ एम या जीवन का उद्देश्य, जीवन के प्रति वो क्या दृष्टिकोण रखता है, वो क्या अपने लक्ष्य वो अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। देखिए साथियों, अगर कोई भी काम उचित ढंग से करना है या अच्छे से करना है तो क्या है उसके लिए कोई ना कोई टारगेट होना बहुत ही जरूरी है। बिना टारगेट के कोई भी कार्य बेस्ट तो हम करते नहीं है, अगर करते तो वह सही ढंग से नहीं हो पाता। मेरा मानना है या मेरा सुजेशन है आप लोगों के लिए भी कि जो अपना टारगेट है हमेशा ऊंचा रखें, और तब क्या है अगर आप टारगेट ऊंचा रखेंगे तो कम से कम अगर ऊंचा ना मिल पाए कम से कम छोटा ना छोटा छोटी छोटी अचीवमेंट्स तो आपको जरूर मिल जाती है। सपोज दैट उदाहरण के लिए अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट या कॉलेज लेक्चर के बनने की, तो अगर कॉलेज लेक्चर नहीं बन सको तो कम से कम या प्रोफेसर ना बन सको तो कम से कम आप स्कूल लेक्चरर या टीजीटी पीजीटी तक तो जा ही सकोगे ना। तो मेरे कहने का भाव है कि हमेशा टारगेट ऊंचा रखना चाहिए, तब क्या है आपको अगर ऊंचा नहीं मिल सके तो क्या है छोटा सा उपलब्धि तो ईजिली मिल सकती है। नेक्स्ट है इच्छा शक्ति या तत्परता, ये भी क्या है लर्निंग को प्रभावित करती, किसी व्यक्ति के अंदर सीखने की इच्छा कितनी है, कितना इच्छुक है वो, क्लास में इंटरेस्ट लेता है या कहीं सो तो नहीं रहा है, वो किस तरह से बात को समझना चाहता है, मतलब उसके अंदर कितनी भावनाएं भरी हुई है, कितनी इच्छाएं है वो सीखने के प्रति। नेक्स्ट है अपनी अंत इंद्रियों या बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, अपनी जो इंद्रिया होती है उस पर क्या है उसका कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो क्या है मन स्थिर नहीं रहता है, भटकने लगता है, जिस कार्य पे लगे उससे क्या है उसको ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है एक अच्छे लर्नर के लिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, अब सेटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी, कठिन से कठिन कार्य करने का वो करने पड़े तो उसके लिए क्या है उसके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। वो केवल अपनी सुख शांति पर ही ध्यान ना दे और मेहनत करे, लेकिन क्या होता है जब लगातार कार्य करना होता है तो क्या है हमें सहन शक्ति की जरूरत पड़ती है और थकान महसूस होती है। तो क्या है उसके अंदर क्या है सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है, नहीं क्योंकि अगर वो ऐश आराम की जिंदगी जीना चाहता है तो ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि कहा भी गया है यशस्वी नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम
लोचनाभ्य विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या तथा विद्या चाहने वाले को क्या है, सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल ही असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है पारिवारिक आदर्श। पारिवारिक आदर्श होता है माता पिताओं से या अपने दादा परदादा से मिले। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो बच्चा है क्या होता है, वंशिक और वातावरण का क्या है, फल है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, क्या है, माता पिता जो है वो पारिवारिक जो वो है क्या बोलते हैं आदर्श है, वह बहुत मैटर करता है। अगर किसी के आदर्श अच्छे हैं, माता पिता पढ़े लिखे हैं और वो अच्छे से केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, तो आई थिंक वो जो परिस्थिति है किसी लर्नर के लिए बहुत ही अच्छी है। इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ये भी मैटर करता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो क्या है, लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जिस पे की अगर बात की जाए तो क्या है, मनुष्य के विकास की वो अवस्थाएं जिससे होकर उसे गुजरना पड़ता है उसको क्या कहता है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ जो खास तौर से मनुष्य की स्टेज की अगर बात की जाए तो लगभग पांच जो अवस्था से है वो क्या है, एक व्यक्ति को या एक मनुष्य को क्या है गुजरना होता है। सबसे पहले जब पैदा होता है या जन्म से 5 वर्ष तक जो है उसको बोलते हैं शेष अवस्था। फिर उसके बाद आती है बाल अवस्था, जिसमें जो एज रहती है वो है मानी जाती है, वो बाल अवस्था जो मानी जाती है वो बालक की 6 से 12 और लड़की की जो है वो 6 से 10 वर्ष। उसके बाद आती किशोर अवस्था, बालक की 13 से 18 व बालिका की 11 से 17 मानी जाती है। फिर आती है प्रौढ़वस्था, वयस्क जिसको बोलते हैं वो है 18 से 55-60 तक। और उसके बाद आती है वृद्धावस्था यानी कि 60 अबाउ। तो ये क्या है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है ह्यूमन बींग्स की। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है या सबसे कठिन है किशोर अवस्था की, क्योंकि किशोर अवस्था क्या है, अधिगम प्राप्ति का क्या है सबसे कठिन काल माना जाता है। इस समय क्या है, युवाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसीलिए अब हम क्या है इसी पे प्रकाश डालेंगे या उसी पे क्या है उसी का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले किशोर अवस्था की क्या विशेषता है, शारीरिक विकास के लिए क्या है, शिक्षण अधिगम का आयोजन की समस्या बनती रहती है इस एज में, जो क्या है 13 से 18 बालक की एज और 11 से 17 के बीच क्या है ये समस्याएं रहती है खास तौर से, या ऐसे ऐसे वो देखने को मिलता है। क्रोध की भावना बढ़ जाती है, खुद को क्या है वो और उसे चिढ़ हो जाती है, नफरत होने लग जाती है, भय का वातावरण पैदा हो जाता है। इस एज में क्या है सीखने वाला क्या है या व्यक्ति क्या है आनंद के चक्कर में रहता है, स्वयं को सर्वोपरि मानता है, जो है वो मैं ही हूं और सब कुछ नहीं है और कुछ नहीं जानते। लैंगिक आकर्षण बढ़ता है, अट्रैक्शन जो होता है मेल फीमेल के बीच, व्यस्त प्रेम की भावना जागती है, व्यस्त प्रेम जो इस एज में होता है उसकी भावना क्या है और ज्यादा तेज होने लगती है।
टेंशन टेंशन बढ़ जाती है, चिंतन बढ़ना, जैसे वो रोजगार से संबंधित हो सकता है, लैंगिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है, और भी कई तरह का हो सकता है, हो सकती है टेंशन। हार्मोन्स चेंजिंग की प्रॉब्लम्स आती है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है किशोर अवस्था की। अर्थात कहने का भाव यह है कि युवावस्था में क्या है, बहुत सारी समस्याओं का सामना मनुष्य को करना पड़ता है, अतः इसे अधिगम की सबसे कठिन काल करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये वास्तविक में ही क्या है, अधिगम प्राप्ति का सबसे कठिन काल है। तो दोस्तों ये था आज का जो हमारा यूजीसी के सिलेबस में दिया हुआ सेकंड टॉपिक। अब मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा जो इस चैप्टर में ऐसे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं जो इम्पोर्टेंट टर्म जो इसमें आती है, क्या पता एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता क्या कुछ पूछ ले, तो उस पर भी थोड़ा बात करना चाहूँगा। सबसे पहले वंशानुक्रम क्या है, हेरिडिटी, हेरिडिटी से अभिप्राय जो है वो क्या है, वंशिक गुणों के विकास से होता है, जैसे कि माता पिता के बुनियादी गुणों को बच्चा प्राप्त करता है, और माता पिता क्या है अपने माता पिताओं से, और जो बच्चा क्या है बच्चे के फिर उसके बच्चे पे जाते हैं। तो ये क्या है, वंश वंश से दूसरे वंश पे, दूसरे वंश से गुणों का जो है या प्रसार होना, क्या है वंशानुकरण। सेकंड है वातावरण, वातावरण क्या है, वातावरण हमारे चारों ओर का वायुमंडल है या परिवेश है। यहाँ पे अगर बात की जाए लर्निंग की, तो यहाँ पे जो यहाँ पे वातावरण से लेना देना इसका है कि भाई वह सभी तत्व जो क्या है लर्निंग को प्रभावित करता है वो क्या है वातावरणीय माहौल, उसको क्या यहाँ पे कहा जाता है कि किस तरह का होना चाहिए। फिर है मूल प्रवृत्तियाँ, मूल प्रवृत्तियों से अभिप्राय परंपरागत या जन्मजात मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति से है जो किसी कार्य को किसी तरह से किस तरह से करने के लिए प्रभावित करती है, उनको क्या कहते हैं मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। या नेक्स्ट है संवेग, इमोशन जिसको बोलते हैं, संवेग प्राणी को उत्तेजित मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दशा है एक, जो क्या है मानवीय भाव से जुड़ी है, सुख दुख भय लज्जा शर्म, ये क्या है ये संवेग है। सेंटिमेंट स्थायी भाव जिसको बोलते हैं, स्थायी भाव संवेगों का वो सार या रूप है जो क्या है स्थायी स्थिति क्या है ग्रहण कर लेता है, और ये क्या है संवेग का परिणाम होता है एक प्रकार से। फिर आता फटीग, क्या है फटीग मतलब थकान, यह एक क्या है शारीरिक दशा है जो कि व्यक्तियों को कार्य क्षमता में निरंतर कमी रहती है, जब हम ज्यादा कार्य करते हैं तो क्या है हमारे जो मांसपेशी या मस्कुलर सिस्टम क्या है सारा ढीला पड़ने लग जाता है, वही थकान है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि टीचिंग को शिक्षण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, उस पर बात करेंगे। इसी के साथ अगर साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, तथा अगर आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।